वेट, आर यू द वन जिसके अभी बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं क्लास 10th या फिर क्लास 12th के? स्टिल दे आर क्लूलेस, दे आर फुल ऑफ डाउट्स रिगार्डिंग हाउ दे आर गोना अटेम्प्ट देयर बोर्ड एग्जामिनेशन, रिगार्डिंग देयर प्रेपरेशंस, एंड मोर ओवर रिगार्डिंग देयर टाइम मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग. सो गाइज डोंट वरी, आज की वीडियो आपके लिए ही होने वाली है. सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड. एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप इस वीडियो तक पहुँच चुके हैं, मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड. सच में आपके लिए ही ये वीडियो है, डोंट स्किप इट. सो हेलो एवरी वन, आई होप ईच वन ऑफ यू इज डूइंग अमेजिंग. आपको पहले से ही पता लग चुका है, आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड. गाइस फिर से बोल रही हूँ, वॉच दिस वीडियो टिल एंड, इट विल बी हेल्पफुल टू यू. सो स्टार्टिंग विद आवर टिप नंबर वन, गाइस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू इट केयरफुली. सेट अप योर गोल्स एंड ट्राई टू अचीव देम. अब गोल्स का मतलब ये नहीं है आई एम टेलिंग यू कि आप माउंट एवरेस्ट चढ़िए, नथिंग सॉर्ट ऑफ दैट. या फिर आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरा का पूरा कोर्स एक दिन में कंप्लीट कर दीजिए. नो, ऐसे गोल सेटअप कीजिए जो अचीवेबल हैं, जो आप सच में अचीव कर सकते हैं. लाइक आप अपना मतलब एज सून एज यू वेक अप, टेक योर डायरी, टेक वट एवर यू वॉन्ट, मतलब नोटबुक ले लीजिए और नोट कीजिए कि आज के दिन में आपको इस सब्जेक्ट के इतने टॉपिक्स, इस सब्जेक्ट के इतने टॉपिक्स कंप्लीट करने ही है, नो मैटर वॉट हैपन्स. एंड स्टिक टू दैट रूटीन, स्टिक टू दैट गोल एंड ट्राई कीजिए आप उस गोल को अटेन करें, देन ही आप रात को सोने जाएं. अगर ये आप फॉलो करते हैं देन गाइस एवरीथिंग इज सॉर्टेड, यू विल स्कोर गुड मार्क्स, एटलीस्ट यू विल हैव इनफ ऑफ नॉलेज टू स्कोर गुड मार्क्स. देन सेकेंड मेजर टिप इज डेवलप सब्जेक्ट वाइज लर्निंग हैबिट. अब ऐसा नहीं है कि वो यूनिवर्सल लर्निंग हैबिट नहीं है. आपको पता है आपके सब्जेक्ट्स अलग हैं, कुछ थ्योरी वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स वाले हैं, कुछ डायग्रामेटिक हैं, ठीक है. बट आप सेम स्ट्रैटेजी हर एक सब्जेक्ट के लिए फॉलो नहीं कर सकते हैं. लाइक इट डजेंट मेक एनी सेंस, जो आपकी न्यूमेरिकल पोर्शंस है उसमें ट्राई कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करें. इट रियली हेल्प्स, मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है. देन बात आती है ऐसे सब्जेक्ट्स की जिसमें काफ़ी ज़्यादा डायग्राम्स इन्वॉल्व है, लाइक योर बायोलॉजी. तो उसमें क्या कीजिए, डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए. अब उसमें आप डायग्राम थोड़ी ना रटेंगे, यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर दैट. तो हर सब्जेक्ट वाइज, तो हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटेजी चेंज होनी चाहिए. डोंट स्टिक टू वन स्ट्रेटेजी फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स, इट इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन. देन इज अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन. अब आप में से काफ़ी लोग होंगे जिनको प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब नहीं पता, अभी मैं आपको बता देती हूँ. इट इज़ लाइक चीज़ों को टालना, जो कि हम डेली बेसिस पे करते ही करते हैं एज अ ह्यूमन बींग. इफ़ यू वॉन्ट अ डिटेल वीडियो रिगार्डिंग दैट, वी ऑलरेडी हैव मेड इट, तो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी उस वीडियो की लिंक. मेक श्योर यू गो एंड वॉच इट. अभी आप देखिए कुछ ही टाइम बचा है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, एंड स्टिल अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, आप अपने लेजीनेस के मारे चीज़ें टालते जा रहे हैं, पढ़ाई टालते जा रहे हैं, एंड गाइस अगर अभी नहीं होगा तो वो कभी भी नहीं होगा. आपके ऐसे एक दिन बोर्ड एग्जाम्स भी आ जाने एंड यू विल बी ब्लैंक. देन इज लर्न द आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट. बाय द टर्म टाइम मैनेजमेंट आई डू नॉट मीन ओनली द टाइम मैनेजमेंट विच यू नीड टू डू इन योर एग्जामिनेशन हॉल, बट ऑल्सो ड्यूरिंग योर प्रेपरेटरी फेज. लाइक यू नो अभी आपका प्रेपरेटरी फेज जो चल रहा है उसमें आप अपना टाइम टेबल सेटअप कीजिए, और टाइम टेबल इस तरीके से सेटअप कीजिए जो कि रियलिस्टिक हो ऑफकोर्स. एंड मोर ओवर उसमें आप ये मेक श्योर कीजिए कि आप हर सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हो, मेड बी आवर्स और मिनट्स, बट हर सब्जेक्ट डेली पढ़िए, इट विल रियली हेल्प. आई डोंट नो हाउ मच ऑफ यू विल अग्री व्हेन आई से कि जहाँ पे आप पढ़ते हैं, जिस लोकेशन में यू स्टडी, इवन दैट प्लेज अ मेजर रोल कि आप कितना लर्न कर पा रहे हैं चीज़ें, कितना मेमोराइज कर पा रहे हैं चीज़ें, कितना मतलब आप पढ़ भी पा रहे हैं कि नहीं. लाइक टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, लाइक मैं कभी भी उस जगह पे नहीं पढ़ती हूँ जहाँ पे मैं सोती हूँ. लाइक आई डोंट प्रिफर स्टडिंग इन माई बेड, क्योंकि मैं बेड में सोती हूँ. लाइक वेन एवर मतलब जैसे मैं बेड में बैठती हूँ, आई हैव अ टेंडेंसी कि मैं कुछ कुछ कैसे ना पोजीशन में ना, मैं एट दी एंड लेट ही जाती हूँ, एंड लेटने के बाद आलस आ ही जाता है एंड आई एंड अप स्लीपिंग. सो आई नेवर प्रिफर टू स्टडी इन माई बेड. सो वॉट आई डू इज आई हैव अ स्टडी टेबल, आई स्टडी इन दैट. एंड नहीं है, सो वॉट यू कैन डू इज फ्लोर पे बैठिए, ठीक है, कारपेट वगैरह बिछाइए, मैट वगैरह बिछाइए, सिट ओवर इट एंड देन स्टडी. क्योंकि आप ना
डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे उस चीज़ से, लाइक यू वोंट बी डिस्ट्रैक्टेड विद स्लीप एंड एवरीथिंग लाइक दैट. एंड मोर ओवर, जिस लोकेशन पे आप पढ़ें, ट्राई कि आप वहाँ से अपना जो भी डिस्ट्रैक्शंस है आपकी लाइफ में मतलब उस रूम में, लाइक योर सेल फोन, योर वॉच, क्योंकि वॉच से क्या होता है कि आपकी नज़र वॉच में होती है कि भाई इतना घंटा पढ़ लिया, इतना घंटे हो गए, इतना पढ़ लिया. सो डोंट लेट दैट हैपन. ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कीजिए विच हेल्प्स यू स्टडी, जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं अपने में कि भाई हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, आई विल स्टडी. सो दीज वर ऑल मेजर 5 टिप्स विच यू मस्ट कीप इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. एंड गाइज, इफ यू रियली डिड लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, कॉमेंट डाउन योर व्यूज इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन टू हूसोएवर यू कैन. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.